हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि, और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो न्यू मॉम्स है उनके लिए। जब भी आप बेबी डिलीवर करते हो या इवन जो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर लगने लगता है ना, जब आप एकदम से वेट पुट ऑन ज्यादा आपका विजिबल हो जाता है, तब ये कंसर्न हमेशा आता है कि यार डिलीवरी के बाद, बेबी के बाद फिर कैसे वेट कम होगा, कब होगा। चाहे अनचाहे कितना भी कोई कॉन्फिडेंट हो, बट कभी ना कभी ये ख्याल दिमाग में आता ही है कि यार डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम वेट लॉस कैसे होगा या बॉडी जो है वो शेप में कैसे आएगी। तो वो कंसर्न जो है ना, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ मैं टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, कुछ डिटॉक्स वाटर आपके साथ में शेयर करूंगी जो आपके वेट लॉस और आपके डाइजेशन मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, और कुछ बेसिक टिप्स भी मैं फॉलो करूंगी जो मैंने खुद भी फॉलो किए थे और मेरे हिसाब से सभी को फॉलो करना चाहिए। तो उससे क्या है, आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है, आपका मिल्क सप्लाई भी अच्छा रहता है, और आगे चल के आपका वेट लॉस भी काफी अच्छे से हो पाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अगर आप नई मॉम है, अगर आपने अभी बेबी डिलीवर किया है या करने वाले हैं, या आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है, तो आपका ये कंसर्न बहुत, आपको कुछ समझ नहीं आता उस टाइम पर कि यार क्या करूं, कैसे करूं। एक तो बेबी का इतना कुछ होता है, अपने खुद भी रिकवरी फेज में हम होते हैं शुरू के 6 महीने तक, तो समझ नहीं आता कि क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे वेट लूज करूं। तो यहां पर मैं आपको कुछ थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहती हूं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और ये छोटे छोटे स्टेप्स दिखने में सुनने में आपको बहुत हल्के से लग रहे होंगे, बट ट्रस्ट में अगर आप ये सारी ही चीजें अच्छे से फॉलो करते हैं तो 6 महीने बाद आप अपनी बॉडी में विजिबल चेंजेस भी देखेंगे, और बाद में आप मुझे आकर अपना फीडबैक भी जरूर देंगे और आगे लोगों को भी ये बोलेंगे कि यार ये चीजें सच में काम करती है। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ये दिखने में ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं होता है, बट प्रैक्टिकली ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपकी अच्छी हेल्थ के लिए। तो जब भी आप बेबी डिलीवर करते हो, तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस इन चीजों का नहीं लेना है। कितना भी आपको स्ट्रेस होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने आप को समझाना है कि अगर मैं अच्छे से प्रोडक्टिवली चीजों को सोचूंगी तो एक जो मेरा टारगेट है वहां पर आज नहीं तो कल लेट सवेर मैं पहुंच ही जाऊंगी। तो कोई जल्दी तो है नहीं हमें कहीं पहुंचने की, आराम से हो जाएगा। अगर आपने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया तो वो जर्नी पे आप बहुत डिफिकल्टी से पहुंचेंगे। तो इसीलिए अपना स्ट्रेस जो अपने आपको समझाना है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं कर लूंगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ छोटी छोटी चीजें अपनी डे टू डे बेसिस पे, क्योंकि उस टाइम पर शुरू के 6-8 महीने आप कुछ छोटी छोटी चीजें भी अगर कर लेना तो बहुत बड़ी बात होती है। आप अगर मैं आपको बोलूं कि ये प्रॉपर डाइट प्लान है, इसको आप फॉलो कीजिए, या फिर ये एक्सरसाइज रूटीन है, इसको आप फॉलो करिए, तो वो कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, और वहां पर आकर के आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो आपने अपने मन को पहले तो ये समझा लिया, अब आपको क्या करना है, कुछ छोटी छोटी हैबिट्स जो है ना वो अपनी लाइफ में इनकल्केट करनी है। देखिए, होता क्या है ना कि शुरू के 6-8 महीने या मैं कहूंगी 1 साल तक, इवन जिनका छोटा बच्चा वो रिलेट कर पाएंगे, कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, या तो आपके पास बहुत ज्यादा मेजर हेल्प हो तो अलग बात है, बट मेजोरिटी केसेस में क्या होता है, लेडीज के पास इतनी सारी चीजें होती है करने के लिए कि ये सारी चीजें अगर मैं एक डाइट प्लान सोचूं, एक रूटीन बना करके बोलूं कि आप फॉलो कर लो, तो मुश्किल होता है। और होता क्या है कि जब आप कोशिश करते हो 2-3 दिन काफी एफर्ट्स लगाकर और वो नहीं हो पाता है, तो बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट होता है, और उस वक्त आपके जो इमोशंस होते हैं ना बहुत मेस्ड अप होते हैं। तो मुझे तो बहुत रोना भी आता था जब मैं कभी ऐसा सोचती थी कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, और जब मैं नहीं कर पाती थी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता था, बहुत लो फील होता था। और अगर आपने बहुत सारे रील्स शॉर्ट्स देख करके सोच लिया कि यार ये तो कर ले रही है, मैं नहीं कर पा रही हूं, तो बहुत ज्यादा आपको लो फील होगा। तो अपने आपको इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं देना, क्योंकि सबका वही हाल है। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ कि सबका सेम ही हाल है, चाहे कोई स्क्रीन पे कुछ भी आपको दिखा रहा हो, बट सच्चाई ये है कि इतना ज्यादा प्रैक्टिकल है नहीं कि आप 6-8 महीने में बहुत ज्यादा रूटीन कोई बना करके फॉलो कर लो। तो इसलिए जो आपका पेस है, 6 महीने में अगर आप फ्री हो पा रहे हो, जब आपका टाइम मैनेज हो पा रहा है आपको, तब करना है। लेकिन फिर भी 3 महीने तक अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट करने देना है, अच्छे से जैसा चल रहा है वैसे चलने देना है। 3 महीने में इंटरनल रिकवरी भी काफी हद तक हो जाती है, तब फिर आप डाइट रेस्ट्रिक्शन ला सकते हो या फिर आप एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और जो स्पेशलिस्ट हैं एक्सरसाइज वगैरह के, आप उनसे कंसल्ट करके तभी राइट वर्कआउट ही करना है, अदरवाइज कुछ और डैमेजेस भी हो सकते हैं। तो चलो, ये तो एक सेकेंडरी बात होगी, बट प्राइमरी, अगर आप छोटी छोटी चीजें भी अपनी डे टू डे बेसिस पे फिक्स कर लेते हो, तो ट्रस्ट में आपके आगे की जर्नी काफी ज्यादा स्मूथ और कंफर्टेबल हो पाती है। अगर आपने जो वेट गेन किया हुआ है, अगर आप उसको वहीं पर ही रोक लो, चाहे भले ही वो ओवरवेट है, बट अगर आप उसको वहीं तक रोक भी लो, तो एटलीस्ट आगे जब आप जर्नी अपनी एक फुल फ्लेज जर्नी शुरू करोगे, तो आपका जो 0 पॉइंट है वो कम रहेगा। मान लीजिए अगर आपने 5-6 केजी 10 केजी वेट गेन कर रखा है, तो वो 10 केजी ही रहे, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, वो कहीं 15-20 ना हो जाए। उसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, ताकि जब आप अपनी जर्नी शुरू करेंगे तो वो जो 10 केजी एक्सेस है उसी को आपको लूज करना रहेगा, राइट। आप आई होप मेरी बात समझ पा रहे होंगे और अग्री भी कर पा रहे होंगे। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। सबसे पहली चीज कि अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तो मैक्सिमम अपने बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराइए। उससे 2 चीजें होती है, एक तो आपके बेबी का न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है उसको, उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो पाती है, जो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देती है। मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत होता है जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो। दूसरा, फिजिकल अगर हम बात करें, तो आपकी कैलोरीज जो है ना वो काफी ज्यादा बर्न होती है जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हो।
क्योंकि कैलोरी इनटेक तो आप ले रहे हो एक्सेस में, लेकिन अगर आप उसे ब्रेस्ट फीड प्रॉपरली नहीं कराएंगे तो वो आपके बॉडी में फैट के टर्म में स्टोर होगा और आपका वेट गेन होता रहेगा। इसलिए जितना हो सके बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते रहिए, तो जितना भी आप एक्सेस कैलोरी ले रहे हो वो बर्न होता जाएगा। दूसरी चीज की बॉडी में मूवमेंट आपको बना करके रखना है। ऐसा नहीं है कि बेबी हो गया तो बस पड़े ही हुए हैं, ऐसा नहीं है। दिन में जितनी बार भी हो एक घंटे पे थोड़ा सा आप मूव करें, बॉडी में मूवमेंट बना करके रखें, वो बहुत जरूरी है। और उसके साथ में एक्सरसाइज भी आपको करना है। एक्सरसाइज का मतलब नहीं है कि बहुत कुछ स्ट्रेस वाला एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज मतलब कि 30-40 मिनट्स एटलीस्ट आप वॉक जरूर करें। बहुत ज्यादा हाई स्पीड से नहीं, बहुत ज्यादा लो स्पीड से नहीं, एक नॉर्मल जितना आपकी बॉडी बेयर कर सकती है उस स्पीड से वॉक जरूर से करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉडी में मूवमेंट रहेगा, कैलोरीज भी बर्न रहेगी और मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से रहेगा। इसलिए वॉक या फिर कोई भी आप और एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो अपनी फेज के हिसाब से, आपका कौन सा फेज चल रहा है और आप कितना जानते हो एक्सरसाइज के बारे में, उसके हिसाब से डिसाइड करके आप करें। या फिर योगा वगैरह कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। योगा से आपको मेंटल भी काफी पीस मिलता है और फिजिकली भी आपके लिए बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी आती है और आपका वेट लॉस में भी हेल्प होता है। तो एक्सरसाइज तो कर ली, लेकिन खाने का क्या? खाने पे भी आपको ध्यान देना है। खाने में आपको बैलेंस डाइट लेना है। प्लीज मैं आपसे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करना चाहूंगी कि अपनी डाइट को बैलेंस बनाए। आपकी प्लेट में कैलोरीज थोड़ी ज्यादा होंगी चलेगा, लेकिन जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर होना चाहिए आपका। उसमें आपके ग्रेन्स भी होने चाहिए, प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपको डेली एक ग्लास दूध और एक कटोरी दही तो खाना ही खाना चाहिए, जिससे आपको अच्छा प्रोटीन इंटेक मिलेगा, फैट भी अच्छे मिलेंगे, बच्चों को भी अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा और आपकी रिकवरी अच्छे से हो पाएगी। और बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, डेफिशिएंसी है, जो अक्सर डिलीवरी के बाद लोगों में हो जाती है, वो उससे आप बच जाएंगे। तो बैलेंस डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्दी सीजनल फ्रूट्स जरूर से खाएं, 2 से 3 सर्विंग ऑफ जो सीजनल वेजिटेबल्स है, सैलड्स हैं, उनका आप जरूर से कंज्यूम करिए। अच्छा फाइबर इंटेक करिए जो कि आपको ये वेजिटेबल और फ्रूट से मिलेंगे। जूसेस शेक्स को थोड़ा अवॉइड करें और रॉ वेजिटेबल, रॉ फ्रूट, सैलड ये सब जरूर से खाएं। इससे आपको बहुत अच्छा फाइबर भी मिलेगा और इससे क्या होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन, गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो डिलीवरी के बाद लोगों में कॉमन देखे जाते हैं, उनसे आप बच जाएंगे। आपका जो गट हेल्थ है वो काफी अच्छी रहेगी और आपकी कैलोरी भी अपने आप ही रिस्ट्रिक्ट होती जाएगी। अननेसेसरी आप चीजें जो है वो नहीं खाएंगे, ओवर ईटिंग से बचेंगे। तो बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है, जिसमें प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, कार्ब्स भी आपको लेने हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स भी आपको लेना है, दूध दही भी आपको लेना है। और अगर आप नॉन वेज वगैरह खाते हैं तो थोड़ा सा आप नॉन वेज भी ले सकते हैं, एग्स वगैरह का इंटेक अच्छे से कर सकते हैं। तीसरी चीज, खाना ही नहीं है, सिर्फ पानी पे भी ध्यान रखना है। खूब सारा पानी आपको पीना है। जब भी आप ब्रेस्ट फीड कराते हो तो कराने से थोड़ा पहले एक गिलास पानी पीजिए, कराने के बाद एक गिलास पानी पीजिए। पानी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके मेटाबॉलिज्म को प्रॉपरली वर्क करने के लिए, ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन बनाने के लिए, और आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी रिकवरी के दौरान भी आपके टॉक्सिन्स हैं और अपने डे टू डे बेसिस पे जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं वो सबको फ्लश आउट करने के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। अभी गर्मियां चल रही है तो वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो काफी ज्यादा पानी जितना आप पियेंगे, कोकोनट वाटर पी सकते हैं आप, अपना नॉर्मल पानी या फिर कोई इन्फ्यूज्ड वाटर जो होते हैं आप वो सब बना करके पी सकते हो, लेमन वाटर वगैरह पी सकते हैं। इस तरीके से पानी आपको डिफरेंट तरीके से इनटेक करना ही करना है। तो हाइड्रेशन अपना मेंटेन करना है। डिहाइड्रेशन होगा तो उससे आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, वॉमिट, डिजीनेस, ये सारी चीजें भी होंगी। प्लस मेटाबॉलिज्म प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो या तो भूख कम लगेगी या तो भूख बहुत ज्यादा लगेगी, ये सारी चीजें होने लग जाएंगी। इसलिए पानी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पानी की बॉटल या कंटेनर जो है अपने बेड के पास ही रखे, ताकि टाइम टू टाइम पानी आप पी पाए। पानी हो गया, खाना हो गया, एक्सरसाइज हो गई, अब हो गया सब कुछ नहीं। खाने पीने के अलावा स्लीप पैटर्न बहुत ज्यादा जरूरी है आपका एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म के लिए। देखो वेट गेन, वेट लॉस या जो भी आपके है ना, वो सब कुछ मेटाबॉलिज्म पे ही डिपेंड करता है। तो मेटाबॉलिक रेट आपका क्या है, अच्छा है कि नहीं, वो आपको इन सारे ही फैक्टर्स से डिसाइड होता है। तो खाना पीना, एक्सरसाइज, ये सब चीजें जरूरी है, बट उतना ही जरूरी है आपका स्लीप। स्लीप अच्छी क्वालिटी का, और आपको करीब 8 घंटे कम से कम सोना चाहिए। बट यस, न्यू मॉम्स के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अब हम वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, बट ये है कि आप जितना आपको चांस मिलता है आप फोन, टीवी, इन सबको साइड करिए और सोइए। जितना अच्छे से आप रेस्ट करेंगे और ये बाकी की चीजें आप फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप मेंटली भी बहुत ज्यादा अच्छा फील करेंगे और फिजिकली भी आपकी बॉडी जो है ना एनर्जेटिक एंड लाइट फील करेगी। बाकी जो थोड़ा बहुत वेट गेन हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सब फॉलो करने से आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा स्टार्टिंग में। बट ये हैबिट जब आप बना लोगे, तब उसके बाद जब आपका बेबी का ब्रेस्ट फीड आप छोड़ोगे, उसके बाद जब आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे जाओगे, तो प्रोसेस बहुत अच्छे से काम करेगी, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब नहीं हुआ है। ट्रस्ट मी गाइज, आप कैलोरी रिस्ट्रिक्ट कर लो, ये सब कर लो, जो भी करना है कर लो, अगर आपका मेटाबॉलिक रेट प्रॉपर नहीं है तो कुछ भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए ये टाइम ऐसा होता है कि आप लाइफस्टाइल पे काम करें, अपना मेटाबॉलिक हेल्थ जो है उसको आप
मेंटेन कर पाए अच्छे से। तो ये सारे जो चार फैक्टर्स मैंने आपको बताए इनको जरूर जरूर से आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको कुछ ड्रिंक्स भी बता देती हूँ चार पांच, जिनको कि आप डेली बेसिस पे फॉलो कर ड्रिंक कर सकते हो, जिससे आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से होगा और आपका जो वेट लॉस या जो भी आपका मेटाबॉलिक हेल्थ की मैं बात कर रही हूँ उसको आप अच्छे से मेंटेन करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो सबसे पहला ड्रिंक है मेथी वाटर। मेथी वाटर पीने से आपको अगर डायबिटीज वगैरह की भी प्रॉब्लम है जो प्रेगनेंसी में हो जाती है काफी लोगों को, वो भी काफी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं तो वो भी आपका अच्छे से मेंटेन होगा और उसके अलावा टॉक्सिन्स को हटाएगा, आपका जो डाइजेशन है उसको हेल्प करेगा, आपके बेबी के लिए मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक चम्मच मेथी जो छोटा चम्मच होता है उसको आपको पानी में सोक कर देना है और उसके बाद सुबह आप रात में सोक कर दीजिए, सुबह इस पानी को पी लीजिए, थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन पी लीजिए इसको। और चाहें तो इसको एक ग्लास पानी में अच्छे से हल्का सा बॉयल कर सकते हैं और उसके बाद उस पानी को छान करके भी इंस्टेंट बना करके भी पी सकते हैं। दूसरा जीरा वाटर आप पीजिए। जीरा वाटर आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए अगेन बहुत अच्छा होता है और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो गट हेल्थ में काफी गट इश्यूज आपके जो भी होते हैं ना उसमें जीरा काफी अच्छा काम करता है। तो आप जीरा का पानी भी ले सकते हो, अगेन एक छोटा चम्मच जीरा जो है उसको एक ग्लास पानी में अच्छे से उबाल लीजिए और छान करके वार्म या फिर ल्यूक वार्म रूम टेम्परेचर जैसे कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप इसे सिप बाय सिप करके पी सकते हो। तो ये आपको 2 से 3 ग्लास आप जीरा वाटर दिन भर में कंज्यूम कर सकते हो। उसके अलावा अजवाइन वाटर जरूर बहुत अच्छा काम करता है, ट्रस्ट भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अजवाइन वाटर आपने भी देखा ही है कि हमारे घरों में भी अजवाइन का पानी खूब पिलाया जाता है, शुरू के एटलीस्ट 3 महीने तो खूब पिलाया जाता है। तो आप वो पानी पीजिए, बॉयल करके कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। तो वही एक ग्लास पानी में एक छोटा चम्मच आपको अजवाइन जो है वो उबालना है और उसके बाद से छान करके ठंडा करके आपको पीना है। आप इसे इकट्ठा भी बना करके रख सकते हैं और इसको बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक चम्मच आपने उबलते हुए पानी में अजवाइन डाली, हल्का सा गरम किया और ढक करके गैस बंद कर देना, अदरवाइज इसके जो ऑयल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो इसलिए इसको ढक करके एंड देन फिर स्टोर करके आप रख सकते हो और इसे आराम से दिन में 3 से 4 ग्लास पानी जो है वो पी सकते हैं। तो ये पीजिए। उसके अलावा अर्ली मॉर्निंग जो आप अपना जब दिन शुरू करते हैं तो वहां पर आप लेमन वाटर जो है थोड़ा सा हनी के साथ में आप पी सकते हो। 1 ग्लास पानी में आधा नींबू डालिए और थोड़ा सा हनी डालिए, वार्म वाटर लीजिए और उसको मिक्स करके आप पी लीजिए। तो इससे जो सुबह की शुरुआत होती है वो काफी अच्छी होती है, सुबह अल्कलाइन वाटर मिल जाए तो बहुत अच्छे से बॉडी काम करती है। तो ये कुछ ड्रिंक्स हैं जिनको आप पी सकते हो, जो कि आपकी इसको बदल बदल के आप पी लीजिए और पानी का इंटेक अच्छा रखें। और ये जो टिप्स मैंने आपके साथ में फॉलो किए हैं ये आप जरूर से फॉलो कीजिए। और अगर डाइट प्लान की बात करें तो सुबह आपने ये पानी पी लिया, उसके बाद ब्रेकफास्ट एक अच्छा सा लीजिए जिसमें कि आपका प्रोटीन होना ही चाहिए। आप स्प्राउट्स वगैरह खा सकते हो थोड़ा सा स्टीम करके, और उसको स्प्राउट्स को आप ले लीजिए और उसके साथ में पोहा उपमा चीला वगैरह जो लेना है वो आप ले लीजिए। देन फिर मिड मॉर्निंग में कोई फ्रूट, गोंद के लड्डू, थोड़ा सा दूध ये ले लीजिए। लंच में आपका वही रोटी, दाल, सब्जी, सैलेड, दही ये होना चाहिए। आप चावल भी खा सकते हो, अगर रोटी की जगह चाहो तो चावल खा लो और चाहो तो रोटी खा लो। तो ये आपका लंच हो गया। फिर इवनिंग स्नैक में भी आप भुना चना खा सकते हो, मखाना खा सकते हो या फिर वो जो गोंद के लड्डू होते हैं ड्राई फ्रूट वाले वो खा सकते हो। कोई भी हेल्दी ऑप्शन आप खा सकते हो। थोड़े से नट्स एंड सीड्स जरूर से इंक्लूड करना है मॉर्निंग में, इवनिंग में कभी भी। तो वॉलनट, बादाम, जो आपके अंजीर है या काजू है ये सब चीजें आप खा सकते हो। उसके बाद डिनर जो है वो आपका डिनर में आपका वही रोटी, दाल, सब्जी, दही या पनीर, ये बटर मिल्क, इस टाइप से आप बैलेंस 4-5 जो आइटम्स होते हैं आपके अपने रेगुलर खाने में वो आपको लेना है। रात में फिर भूख लगती है तो थोड़ा सा 1 कप आप दूध ले सकते हो, उसके साथ में अगेन वो जो ड्राई फ्रूट लड्डू होता है वो ले सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट को मैनेज करिए। सब कुछ खा सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर कोई चीज खाने से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए और जो चीज उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है वो चीजें आप खाइए। इससे आपके बच्चे के लिए मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, रिकवरी भी अच्छी हो जाएगी और आगे चल के जब आप अपना प्रॉपर वेट लॉस जर्नी शुरू करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आई होप ये सारी ही चीजें आप फॉलो करेंगे, समझ पा रहे होंगे और मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। और अगर कोई और इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो या क्वेश्चन है आपके दिमाग में आप मुझे सजेस्ट करें कमेंट्स में, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। अगर कुछ क्वेश्चन है तो रिप्लाई करूंगी आपको। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान मेरे से लेना चाहते हैं, अपने जो भी इश्यूज हैं प्रॉपर आपके लिए मैं स्पेसिफिक डाइट प्लान बनाऊं, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं फॉर पर्सनल कंसल्टेशन, जो कि पेड सर्विस है, बट वहां पर मैं आपको हेल्प और गाइड कर सकती हूँ कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और हाँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में वीडियो जरूर से शेयर करें। चलिए मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।